मोटरवे M5 पर कराची जाने वाली बस उच शरीफ के करीब हादसे का शिकार हो गई। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। इस्फहानी रोड पर मुलजिमान ने पेट्रोल पंप के कैशियर से 80 लाख छीन लिए। कैशियर बैंक में रकम डलवाने जा रहा था। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। अब एक एक करके हुकूमत की तमाम साजिशों से पर्दा उठा रहे हैं और आज भी इमरान खान ने इस साजिश को बेनकाब किया कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाने की कोशिश कर रही है। और शहबाज हुकूमत का कारनामा, दुनिया भर में तेल सस्ता मगर पाकिस्तान में महंगा, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। इन्हें सब कुछ माफ है, इनकी करप्शन भी माफ है, मुकदमे भी खत्म है। क्यों? क्योंकि ये अपने लोग हैं। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को कोई माफी नहीं, कोई चक्कर नहीं माफी का। शहबाज गिल ने अगर गलती की है तो उन पर कोर्ट में केस चलाए, अदालत फैसला करे, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फौज पे दनादन हमले हो रहे हैं, फौजी इनके हाई रैंक के अफसर हैं, कहीं उठाए जा रहे हैं, कहीं सीधे सीधे उनको जो है वो सजा दी जा रही है, क्या नहीं हो रहा है, बाढ़ आ रही है, पैसा कर्जा भी कहीं से नहीं मिल रहा है, इकॉनमी भी हाथ में नहीं है, बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही है, लोग बेचारे अपनी जानों से जा रहे हैं बेरोजगारी के चक्कर में। इतना इतना ज़्यादा कुछ पाकिस्तान में हो गया है, ऐसा लगता है कोई भी चीज़ नहीं होगी जो शायद बच गई हो। उसमें भी आप देखो क्या क्या नहीं हो रहा है। इमरान खान तो शायद एक टाइम पर जैसा जिन्ना ने जो हिंदुस्तान के साथ में किया था वो आज इमरान खान पाकिस्तान के साथ में करता हुआ नज़र आ रहा है। हर तरफ से, मतलब कुल मिला के हर तरफ से देखो, उसके बाद भी थोड़ी बहुत चैन की सांस इनके पाकिस्तानी ले भी पाते हैं तो उसमें कुछ हम ऐसे देखते कोई ना कोई हादसा आ जाता है, कहीं चोरी चकारी, और चोरी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये भी एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा फैक्ट है। जब से बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है जो चोरी है, जो स्ट्रीट क्राइम है, वो एकदम शार्प ग्राफ उसका बढ़ा है। मोटरवे M5 पर कराची जाने वाली बस उच शरीफ के करीब हादसे का शिकार हो गई। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में 20 अफराद जान बहक, 6 जख्मी हो गए। झुलस कर दम तोड़ने वालों की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। टक्कर के बाद बस को आग लग गई। हादसा रात 2 बजे पेश आया। मोड़ एक जगह का नाम है जहां पर यह हादसा पेश आया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये बताया गया था कि एक ऑयल टैंकर कराची की जानिब जा रहा था जिसके पीछे से बराबर बस आई है और पीछे से बस ने ऑयल टैंकर को हिट किया, जिसके बाद न सिर्फ ऑयल टैंकर में आग लगी बल्कि मुसाफिर बस के अंदर भी खौफनाक किस्म की आग भड़क उठी थी। शहर में अमन अमान की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची में शहरियों के कीमती रुकूम से महरूम होने का सिलसिला ना थम सका। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर मुलजिमान ने पेट्रोल पंप के कैशियर से 80 लाख छीन लिए। कैशियर बैंक में रकम डलवाने जा रहा था। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। देखे जा सकते हैं ये चारों मुलजिमान जो है वो कैशियर के पास आए हैं, 80 लाख रुपए की वारदात की है और मौके से फरार हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में इस तरीके की वारदातें जो है वो रोज का मामूल बन चुकी है। पुलिस काम जो है वो सड़कों से मुकम्मल तौर पर गायब दिखाई देते हैं जिसके बाद इस तरीके की वारदातें रोनमा होती हैं। इस वक्त पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और जाए वकों का मुआयना कर रही है। सीसीटीवी की मदद से जो है वो मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। और शहबाज हुकूमत का कारनामा, दुनिया भर में तेल सस्ता मगर पाकिस्तान में महंगा, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 6.72 रुपए का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 233.91 रुपए फी लीटर कर दी गई। बिल्कुल उसके बरखिलाफ आवाम जो है वो पहले ही महंगाई से बड़े परेशान है और उसके बाद जो रिलीफ की बात है वो तो दूर की बात। हुकूमत ने तकरीबन 6.72 रुपए जो है वो पेट्रोल महंगा कर दिया। अब जरा देखें, गौर करें इस बात पे कि एक बड़ी बात की इमरान खान ने। ये नहीं कहा कि शहबाज गिल चूंकि हमारी जमात का है तो उन्हें हर गलत दुरुस्त बात कहने का हक हासिल है, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने फिर कानून के रास्ते पर चलने की बात की। यही पहचान होती है ना एक बड़े लीडर की कि वो मुश्किल में भी कौम का सोचता है। ये हालात क्यों बने कि आज फौज की चेन ऑफ कमांड और फौज के बाकी मामलों के हवाले से ये सारी डिस्कशन चल रही है, ये पूरी उसी रिजीम चेंज का हिस्सा है। यहाँ लोगों को इस तरीके से जनाब हाइपर कर दिया गया है, एक हस्ती बस्ती लीगल लेजिटिमाइज्ड हुकूमत को डिरेल करके, पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करके। अच्छा चौहान साहब, यानी एक ही बंदा सवार है इनके साथ पर, इमरान खान। अब जाहिर है जब किसी की ताकत को कमजोर करना हो तो उसका बेहतरीन तरीका कार क्या होता है कि उसकी साख को नुकसान पहुंचाया जाए, उसकी इमेज को खराब किया जाए। पर इमरान खान को ऐसे आमने सामने खड़ा करके आपस में लड़वाना चाहती है और इसीलिए
अब वो ये बयानियां बना रही है कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, जो तहरीक इंसाफ है ये इदारों के दुश्मन है। और वैसे भी मुतहदा हुकूमत के पास कोई ऐसा बयानिया है ही नहीं जो अब इमरान खान के बयानिए को टक्कर दे सके। ये इमरान खान को गिराने के लिए हर किस्म के जतन कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश, हर हरबा नाकाम रहता है। ये कैसे धमकियां दे रहे हैं, कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो शहबाज गिल की गाड़ी में 15 की बजाय 30 किलो हीरोइन रखवा सकता था। ये बात वही कर सकता है जिसके पास इतनी किलो हीरोइन मौजूद हो, ऐसा ही है ना। मैं कहती हूँ राणा सनाउल्लाह साहब से आप ये शौक पूरा कर लेते तो आपने ही उल्टा और ज़्यादा तनकीद का निशाना बना था राणा साहब, क्योंकि कौम बेवकूफ़ नहीं है। कौम ने फौरी तौर पर समझ जाना था कि राणा सनाउल्लाह साहब ने अपना बदला उतारने के लिए काम किया है। तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है और इमरान खान पार्टी तोड़ने की बुनियाद ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को करार दे रहे हैं। अच्छा, इमरान खान ने एक और बात बड़ी क्लियरली बताई वाजे की, वो क्या कि जी तहरीक इंसाफ हमेशा अपनी पाक फौज के साथ खड़ी रही और हमेशा पाक फौज के साथ खड़ी रहेगी। तो बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अच्छा, इमरान खान ने एक और बात कही, कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत थी तो भारत ये कहता था कि इमरान खान को फौज लेकर आई, और यही बात शहबाज हुकूमत के लोग भी करते रहे, आपको याद होगा नाजरीन। और अब यही लोग तहरीक इंसाफ पर गद्दारी के मुकदमे बना रहे हैं, यानी जितना ही इमरान खान को सियासत से बाहर करना चाहते हैं उतना ही हैरानी वाली बात है ना, जितना ही बाहर करना चाहते हैं उतना ही इमरान खान अवाम में मजीद मकबूल होते चले जा रहे हैं। अब इस वक्त हुकूमती हलकों में सिर्फ एक ही सोच है, वो क्या कि किस तरह से इमरान खान को कमजोर किया जाए। डॉक्टर साहिबा, 60s-70s के अंदर सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह पे जमात इस्लामी पे पाबंदी लगी, ANP के ऊपर पाबंदी लगी, लेकिन उस दौर में कि जब सिर्फ एक जमीमा हुआ करता था और दो अखबार हुआ करते थे तो या ना ये वाली पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकी। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की 21वीं सदी है। ये जिस तरह इमरान खान पे सियासी वार कर रहे हैं, इमरान खान उतना ही करारा और जोरदार जवाब देकर अपने मुखालिफिन के प्लान को नाकाम बना रहे हैं। जैसा कि मुतहदा हुकूमत तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से साजिशें रचा रही है, लेकिन शहबाज हुकूमत के इमरान खान के खिलाफ बेपनाह प्रोपेगेंडे के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत ना सिर्फ अपनी जगह कायम है बल्कि पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन वैसे भी अब नून लीग के पास कोई ऐसा मजबूत बयानिया नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये इमरान खान का मुकाबला कर सकें, इसलिए अब ये झूठा बल्कि ख़तरनाक किस्म का बयानिया बनाया जा रहा है, ख़तरनाक, ताकि तहरीक इंसाफ और कौमी सलामती के इदारों को एक दूसरे के आमने सामने लाया जाए। इन्हें सब कुछ माफ़ है, इनकी करप्शन भी माफ़ है, मुकदमे भी ख़त्म है। क्यों? क्योंकि ये अपने लोग हैं। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को कोई माफ़ी नहीं, कोई चक्कर नहीं माफ़ी का। शहबाज गिल ने अगर गलती की है तो उन पर कोर्ट में केस चलाएं, अदालत फैसला करे, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर PDM लीडरान ने खुलकर बकायदा नाम ले लेकर बड़े अहम ओहदों इदारों को निशाना बनाया। आज जो सब हम देख रहे हैं 2022 में पाकिस्तान की स्थिति, अगर जो है उस टाइम पर, अगर उसी टाइम पर किसी देश ने, किसी विदेशी शक्ति ने इनका समर्थन ना किया होता, अगर यहाँ के जो सो कॉल्ड महान लोग थे उन्होंने बाकायदा धरने दे देकर विरोध प्रदर्शन कर भूख हड़ताल कर हिंदुस्तान से पैसा पाकिस्तान ना भिजवाया होता, अगर जो आज का पाकिस्तान है उसको थोड़ा सा और पुश करके समुद्र से काट दिया गया होता और लैंड लॉक कर दिया गया होता तो और भी कई सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया होता। तो ये हालत आज जो हमको 2022 में देखने को मिल रही है 1952 में भी देखने को मिल जाती, शायद उससे भी पहले देखने को मिल जाती। तो ये सब कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इतने सालों में कोई ना कोई जो है पाकिस्तान का गॉडफादर बना रहा, कोई ना कोई था, चाहे कभी अमेरिका रहा हो, कभी चाइना रहा हो, कभी कोई, कभी कोई, कभी मुसलमान देश रहे हो, किसी ना किसी ने इनकी हमेशा हेल्प करते रहे। हिंदुस्तान से भी कोई कमी नहीं रही, हिंदुस्तान से भी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के जो है वो मदद करी गई, और हो सकता है अभी अंडरकवर चल रही हो तो उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन पहले तो अंडरकवर भी चलती थी और ओपनली भी चलती थी। सब हमने देखा है किस तरीके से हिंदुस्तानियों ने सब देखा है, एक तरफ हिंदुस्तानी चीखते चिल्लाते रहते थे, हिंदुस्तानियों से वोट भी इसी बात पर लिया था देशभक्ति के नाम पर, और उधर जो है वो बराबर मदद चला करती थी।
कई सारे हमने नवीन जिंदल और कौन है वो सज्जन जिंदल जैसे नेता देखे हैं जिन हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियों में जो पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों के साथ में बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध रखते थे, नवाज शरीफ जैसों के साथ में मिल के बैठ के करते थे, तो हमने बहुत ऐसा इतिहास देखा है। अगर पहले भी सख्त कदम उठाए गए होते तो पाकिस्तान में जो है वो कंट्रोल अंडर कंट्रोल होता, उससे क्या फ़ायदा होता, किसी भी पाकिस्तानी के जान जाने की मनोकामना नहीं करता कोई हिंदुस्तानी। लेकिन जो दुनिया में आतंकवाद फैला, जो दुनिया में उत्पाद फैला, जो दुनिया में हम कह सकते हैं क्राइम का एक रेशियो बढ़ा, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। अगर हिंदुस्तान ने अपनी ये पहल करी होती तो ना सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि और भी जितने सब देशों ने सफ़र किया पाकिस्तान की वजह से वो सब ना करना पड़ता।